देवास जिले के खातेगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूर्ण होने और प्रदेश में फैली कोरोना जैसी महामारी को लेकर लगातार सक्रिय निर्भय होकर लड़ने वाले और हमारी सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों का आज खातेगांव भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पुलिस कर्मियों का स्वागत सम्मान किया। अध्यक्ष कमल उस्ताद, भाजपा जिला महामंत्री नंदू चौधरी के नेतृत्व में खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती और सभी पुलिस कर्मियों का पुष्पमाला स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही सभी मीडिया कर्मियों का भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष कचरू पटेल, फरियाज शेख, पवन काला, अमीन मंसूरी, सादिक मलिक, इसराइल खान, आसिम शेख मौजूद रहे। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस एक वर्ष पूर्ण होने के जैसे कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे खातेगांव पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसमें सभी प्रशासन को लेकर आज हमने अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से का स्वागत किया है का सम्मान किया। गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा खातेगांव नगर में कोरोना जैसी महामारी को लेकर लगातार सक्रिय पूरी सफलता के साथ अपने कर्म को ईमानदारी से निर्वाह करते हुए आज पुलिस प्रशासन का सम्मान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आज खातेगांव थाने पर पहुंचकर खातेगांव नगर में विभिन्न स्थानों पर खातेगांव क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आम नागरिकों में जागरूकता के साथ कोरोना जैसी महामारी को निपटने में सफलता पाने वाली टीम में एक महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस प्रशासन भी है और उनका आज भारतीय जनता पार्टी परिवार अल्पसंख्यक मोर्चा परिवार द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।